हेलो एवरीवन, मायसेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि देखो आपका ये सीबीएसई बोर्ड जो आपका कल पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पर जो है अप्लाइड मैथ का ये क्वेश्चन है। तो इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई यहाँ पर कि कुछ मतलब है कि सीबीएसई ने आपको चकमा दिया है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्योंकि ये आपका यदि हम ट्रेंड वैल्यू का क्वेश्चन जो करते हैं बेसिक मेथड से, तो आप जो है ट्रेंड लाइन को एज्यूम करते हो y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब हम जब फॉर्मूला ड्राइव करते हैं इसको, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि इनका समेशन लेते हैं सिग्मा वाई इज इक्वल टू, इसको हम n टाइम्स ऐड करेंगे, वो आपका डिपेंड करता है कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, तो n a और सिग्मा b सिग्मा x। अब मैं इसी को यदि y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इक्वेशन जो फॉर्म हो जाएगी फर्स्ट एक्स वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। यदि मैं इसका समेशन लेता हूँ तो सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा एक्स बी एक्स स्क्वायर, तो ये मेरी टू इक्वेशंस होती हैं। अब इनसे हम क्या करते थे कि हमारा जो सिग्मा एक्स है तो हम यहाँ पर जो वैल्यू लेते थे आपकी जो ये आपका जो एक्स निकाला हुआ है इनका सम हम यहाँ मोस्टली कंसिडर करते थे कि जीरो आ जाए, ठीक है। तो अब इस केस में यहाँ पर जीरो नहीं था क्योंकि इसमें आपके ऑड आपने लिया था, ये सेंटर वैल्यू भी ली होगी, परंतु यहाँ पर सम जो है वो एक्स, क्योंकि सिग्मा जब एक्स जीरो हम क्यों लेते थे कि जब ये जीरो हो जाएगा तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाती है, सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाती है, और यहाँ से यदि ये जीरो हो जाता है तो मेरी a की वैल्यू सिग्मा वाई अपॉन एन ये निकल जाती है। तो अब मैंने इसमें क्या करना था कि सेम आपको जैसे मैंने ये ईयर्स लिए हुए हैं और मैंने ये आपकी जो है सेंटर वैल्यू इसको एज्यूम कर लिया है, सॉरी इसको ईयर को 2014 को, तो मैं यहाँ पर जो x की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ 0 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 4 और यहाँ पर 1, 2 और 5, क्योंकि ये मेरी जो है डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें आपका कंटिन्यूस गैप मतलब सेम हाइट नहीं है। तो अब यहाँ से मैंने इसके अकॉर्डिंग इसको लिया, फिर मैंने x और y इनको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका, मैंने इसका x का स्क्वायर किया तो आपकी ये वैल्यूज आ गई हैं। तो अब मैं यहाँ से देखता हूँ तो मेरा जो सिग्मा x है तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ डालता हूँ वैल्यू को, तो मेरा सिग्मा y जो है वो आपका 490 आ रहा है ये, और आपका दूसरा एज से 7 इंटू ए एन की वैल्यू 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 और b, तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म होती है। और मैं सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू यहाँ डालता हूँ तो आपका 108 और 51 और आपका ये, तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर पुट करते हैं तो ये वैल्यू मेरी। तो अब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, ये मेरी जो आपकी सेकेंड इक्वेशन है और ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। यदि मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मेरा मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 7, 5, 6 इज इक्वल टू 7a इस इक्वेशन को, और 3, 5, 7b इनको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो b की वैल्यू मेरी आती है 0.75, और मैंने b की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट कर दी है तो a की वैल्यू आपकी 69.89। जबकि बच्चों ने यदि इसको इग्नोर कर दिया होगा, सिग्मा x इज इक्वल टू 0 लिया होगा, तो उनकी b की वैल्यू जो है 70 आई होगी। तो अब यहाँ पर देखो सीबीएसई क्या करती है, ये तो आपका जो है क्या मतलब स्टेप लेगी इसमें, क्योंकि उनकी कोई भी सीबीएसई बुक मतलब एनसीईआरटी बुक नहीं है और उनकी हैंडबुक है उसमें भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो वो क्या स्टेप लेती है, हो सकता है कि वो आपका ये अटेम्प्ट करे, और इसमें गलत सीबीएसई नहीं है क्योंकि सीबीएसई तो चाहती है कि आपने जैसे फॉर्मूला ड्राइव किया है आप उससे ही क्वेश्चन सॉल्व करो। तो मैंने यहाँ वैल्यू डाल के निकाली है तो मेरी जो ट्रेंड लाइन बनती है वो 69.89 प्लस 0.75x। अब मैंने ये ट्रेंड वैल्यू निकालनी है, तो देखो आपने पहले x की वैल्यू इसमें माइनस 4 पुट की, तो यहाँ पर आपकी ये जो ट्रेंड वैल्यू निकल आती है 66.89, और आपने सेकंड में आपका x वैल्यू माइनस 2 पुट किया तो ट्रेंड वैल्यू आपकी ये आती है निकल के, माइनस 1 पुट किया इसमें x की जगह पर तो आपकी ट्रेंड वैल्यू निकल के ये आएगी, 0 पुट करेंगे तुम्हारी सेम 69.89 ये रहेगी, और हम 1 पुट करते हैं x की वैल्यू तो ये आपकी यहाँ पर ट्रेंड वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए सीबीएसई ने जो गूगली बॉल डाल के आपको थोड़ा सा चकमा दिया यहाँ पर। अब क्या स्टेप लेती है वो चेकिंग में, वो जब भी मालूम पड़ेगा जब आपकी बोर्ड चेकिंग शुरू होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।